आप सभी को नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों अभी हम है प्रमोद जी की बेटी की बर्थडे में आए हुए हैं और उनकी मैं जहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ से मैं ब्लॉग शूटिंग नहीं कर पाए, सो मैं आपको दिखा दूँ। ये उनकी बर्थडे की जो सजा हुआ है, जो भी आकर के थोड़ा बहुत हम भी सजाए हैं और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या खाना पीना यहाँ पर चालू हुए हैं बनने का और क्या क्या हमको भी करना पड़ेगा। तो वीडियो में यानी कि ब्लॉग में बने रहे। सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ का जगह दिखा देता हूँ, कितना लंबा चौड़ा जगह है, किस तरह का है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं बैक कमरा से आपको, लकड़ी का गेट है और सीधा ही आते ही ये रूम का गेट है जो प्रमोद जी यहाँ पर रहते हैं। बाकी आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो है छत वगैरह है और जिसकी बर्थडे बेबी की, वो यहाँ पर ग्रिल से कुछ उनको हो ना जाए तो इसलिए ये पेपर लगा दिया गया है। ये यहाँ पर छत है, आप देख सकते हैं, और ये रही इधर का छत, ठीक है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर गमले वमले जा रखा है और एक बाथरूम इधर भी है और इधर जो है किचन है। मैं अंदर से बाद में आपको दिखाऊंगा, बाकी यहाँ का छत देख लीजिए। और मैं अब चलता हूँ सीधा अंदर। तो ये है मेन गेट, मतलब रूम का। तो मैं इसको खोला, फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे देख लीजिए, इसका नाम है ईदिका इदवांसी ना, तो इसी का बर्थडे है, देख सकते हैं। ये पूरी तरह से अपना काम में लगे हुए हैं। इसका पास देखो जोकर की तरह, और ये बेड। और अब चलते हैं किचन की तरफ, और ये एक बाथरूम ये है। और यहाँ पर जो है खाना पीना बन रहा है, चावल छोले, आधा छोले इसमें चढ़ा चुका है, प्लस में खीर के लिए दूध है, और आपका लेसन चल रहा है प्रमोद जी। प्रमोद जी से हाय। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये टमाटर है, और इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है? रेनू यादव ऑफिशियल। प्लीज आप जाकर के उनके पूरे विजिट करें, वहाँ का इनका वीडियो रोज आता है, शॉर्ट्स से ज्यादा, और ब्लॉगिंग जो है कभी कभी आता है, तो प्लीज सपोर्ट आप जरूर करें। और यहाँ पर आपका सिस्टम सारे कुछ दिखा दिया, जो कि अभी बर्थडे के लिए खाना पीना रेडी कर रहे हैं, और अभी आदमी आए नहीं है, बस हम है प्रमोद जी है, अभी खाना बनाने की तैयारी में लगेंगे। तब तक के लिए आप लोग दोस्तों, ये देखिए आपको बताया कि ये अपना काम में लगा हुआ है, जो कि देख सकते हैं चावल को खा रहा है, और चावल अलमारी में से निकाल करके पूरी तरह से बिखेर दिया, आने के बेकार हो गए। बदमाश है क्या? ये बच्चे का काम, अगर ना देखो तो इस तरह का काम फैला देगा। अब किस तरह के चावल, ये पूरी जबकि प्लास्टिक बांधा हुआ था तो पर भी ये फैला दिया। हो चुका है, आपको दिखाता हूँ। देखिए आलू की सब्जी, आलू मटर का है ना, आलू मटर की सब्जी है, और छोला वगैरह भी बन करके रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा। और खीर का भी हुआ नहीं है, वो हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरा से दिखा। तो यहाँ पर सारे आइटम जो है वो कट करके रेडी है, ये बिरयानी के लिए, सॉरी पुलाव के लिए कटा हुआ है, और ये छोला, ये है आलू मटर की सब्जी। कैसा महाराज है यार, चम्मच को डाल दिया। मैं चम्मच है। अच्छा ऐसा है क्या? और ये है महाराज। ये कह रहा मेरे को मत दिखाना। आटा लग चुका है पूड़ी के लिए। कौन पानी डाल रहा है पीछे, मेरे पीछे दिमाग में फेल हो गया क्या? यहाँ पर छोला रेडी है, दूध अभी गर्म होगा, पूरी अच्छी तरह से उकाल उकलेगा, उसके बाद इसको खीर बनाएगा। इसका बर्थडे है, जो कि ये अभी सोया हुआ था और अभी ये उठ गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पुलाव के लिए चढ़ा दिए हैं, अब इसके ऊपर पे ढक्कन कौन सा लगाएंगे पता है, इसको उठा करके। क्योंकि इसका ढक्कन लानना भूल गया, ठीक है, जहाँ से बर्तन लिया वहां से लानना भूल गया, इसके लिए ढक्कन चढ़ाएंगे उसका, दम लगाएंगे। और पुलाव में सारे कुछ वेजिटेबल जो है वो हमने डाल चुका है, ठीक है, तो नमक कम था। हम लोग बनाने के बाद में चखना चाहिए, लेकिन पहले चखता है क्योंकि पता चलता है कि नमक कम है। बर्थडे का बलून सजा रहे हैं, और हैप्पी बर्थडे जो है वो वहाँ पर टांग दिया गया है, ठीक है,
और यहाँ पर जो है बर्थडे का बना रहा है। ये रहा प्रमोद जी और ये अरविंद जी और वो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है अभी जो बर्थडे गर्ल है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं सारे कुछ नॉच करके जो है वो सब हटा रहा है, सारे सेटिंग जो है इसका वो नॉच के हटा रहा है और ये जो अलग से जो हेयरबैंड है वो उसको लगाना चाह रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से है, लेकिन जो मैचिंग का है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी केक जो है वो कुछ देर में कटने का स्टार्ट होने वाला है, सो आप लोग को दिखाएंगे। एंड नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था रात को, और अभी जो है दूसरा दिन है और अभी ब्लॉग एंड करने के लिए मैंने दोबारा चालू किए हैं। सो अभी हम काम पे भी जाएंगे और ब्लॉग आप सभी को देखने में के लिए धन्यवाद और मज़ा आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद दोस्तों ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए।